गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। आई नो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज सबको आप म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आप सबके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए जो आपके साथ में बैठ के देख रहे हैं। थैंक यू सो मच उनके लिए भी, क्योंकि आपको हेल्प कर रहे हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था, स्वर किसे कहते हैं, ओके? और आगे अपने इंडियन म्यूजिक में कितने स्वर हैं? 7। और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 7 ही हैं, ओके? हम लोग उसे क्या बोलते हैं? सारेगामापधनिसा। वो लोग क्या बोलते हैं? डोरेमीफासोलाटीडो या CDEFGABB, ओके? इस तरह से हमने इसको सब और षड्जलषव गंधार मध्यम पंचम धैवत निषद, ये सारे नाम क्या क्या बोलते हैं हम लोगों ने सब सीखा। और आई होप कि आप सबको याद है। और उसके आगे क्या सीखा था हमने? ओके, सप्तक। कितने सप्तक होते हैं? 3। सबसे पहले नीचे वाला पार्ट मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, मध्य बीच में मध्य सप्तक, और दिस वन इज तार सप्तक। ओके, प्लीज याद रखिए सब। और आज का अपना विषय है, सब्जेक्ट है अलंकार। क्या अलंकार? कुछ लोग उसे पलटा भी कहते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, अलंकार और पलटा में। और अलंकार किसे कहते हैं? संगीत में क्रमानुसार गाने को, क्रमानुसार मतलब और दिस इज द क्रम, लाइक हाँ सारे गा, दिस इज क्रम। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो देना गे रे गा मा, दिस इज ऑल्सो क्रम, है ना? तो ये नहीं गा रहा हूं सागरे रे मा ग, इस तरह से नहीं गा रहा हूं मैं, ओके? क्रमानुसार एक ही बात, एक ही बात एक हम लोग अलंकार बोलते हैं। और पलटा में क्रम नहीं है, उसको आगे पलटना, आगे पीछे गा सकते हैं। सा ग रे रे मा ग ग पा मा, ये उलट जब आते हैं, उल्टा पलटा जो, उसको हम पलटा कह सकते हैं। बट सीक्वेंस में जाने के लिए हम लोग उसको अलंकार कहते हैं। और अलंकार में आरोह होता है और अवरोह होता है। आरोह मतलब व्हाट? एसेंडिंग। और अवरोह मतलब व्हाट? डिसेंडिंग। मैथ्स में तो आपने सीखा ही है एसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो वैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, एसेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया। ये आपको बहुत अच्छी तरह से है। वैसे इसमें एक शब्द आया संगीत, आपको पता होना चाहिए संगीत मतलब व्हाट? गायन, वादन, नृत्य, इसे हम संगीत कहते हैं। तीनों विध है, और गायन भी, गाना भी आना चाहिए और वादन भी आना चाहिए और नृत्य भी आना चाहिए, इसे हम संगीत कहते हैं। तो आज हम कुछ अलंकार सीखने वाले हैं। चलिए फिर अलंकार सीखते हैं। फर्स्ट अलंकार आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ओके? सा रे ग म प ध नि सा, फिर सा नि ध प म ग रे सा, इसे इधर से इधर जाने के लिए क्या बोलते हैं? आरोह। सीखते जाइए साथ में आरोह, और फिर ऊपर से नीचे आने के अवरोह, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ओके? तो फर्स्ट अलंकार रिदम के साथ गाएंगे। पहले मैं आगे गाता हूं, आप
Sa sa ni ni
Wow, you're doing very good. Sa re ga, re ga ma, ga ma pa, ma pa dha, pa dha ni sa. Vapas. Sa ni dha, ni dha pa, dha pa ma, pa ma ga, ma ga re, ga re sa. Fir se ek baar. Sa re ga, re ga ma, ga ma pa dha, pa dha ni sa. Sa ni dha, ni dha pa, dha pa ma, pa ma ga, ma ga re, ga re sa. इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे तभी आप अच्छी तरह से गा पाएंगे. समझ में आया? चलिए इसका भी हम लोग गाने का प्रैक्टिस करते हैं. आगे मैं गाता हूं, पीछे आप रिपीट करिएगा. सेम Yeah.
वेरी गुड एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब याद रखिएगा आपने जो भी सीखा हुआ है। हाँ, जब आपको लगता है कि आपके पास फ्री समय है तो इस क्लिप को लगाइए, फिर प्रैक्टिस करिएगा इसके साथ में। बाय बाय।